मैं जितना भारी दिखती हो उससे कहीं ज्यादा भारी हो। I'm sorry. ना तो मुझे चोट देने का शौक है और ना ही चोट दुखाने का। उस समय गलती से चाकू लग गया था और अब गलती से हाथ। It's okay. ओ हेलो, ये मत सोचना कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं और ना इस इंप्रेशन में रहना कि मैं तुम्हें शो से बाहर निकालने की भी प्लानिंग कर रहा हूं। उसके लिए तो तुम खुद ही काफी हो। और हाँ, अगर सिलेक्शन की खुशी से तुम फूल गई हो, लेट मी शो यू वन। ये देख। बाकी दो जजेस ने तुम्हें 8 out of 10 दिए, प्रेजेंटेशन, इंग्रेडिएंट्स एंड स्टाइलिंग, और मैंने तुम्हें 10 out of 10 दिए। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। मैं चाहता हूं तुम यहां रहो, इस कॉम्पिटिशन में, मेरे पास, मेरे करीब। मैं तुम्हें परेशान करूं, कभी छेड़ू, तुम कभी रो, कभी भागो, कभी हाथ काटो, खूब ड्रामा करो, जिससे मेरे शो की टीआरपी बढ़ेगी, शो की रेटिंग्स बढ़ेगी। इसलिए मिस टीआरपी, आप इस गलतफहमी में ना रहें या आप अपने कुकिंग टैलेंट की वजह से राउंड को क्लियर करके आ तक आई हैं। आप आज इसलिए जीती हैं क्योंकि मैं चाहता कि आज आप जीते। घर जाकर खुशी में 2 एक्स्ट्रा गुलाब जामुन ना खा लेना। मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरा एक भाई है मोहित, बचपन में खेलते खेलते छत से गिर गया था तो उसके सर पे चोट आई थी, जिसकी वजह से उलझुल बातें करने लगा था। इसलिए मेरी चाची उसे एक हकीम के पास ले गई, झमटू बाबा। जैसे ही वो वहां गया, दो दिन में मोहित ठीक हो गया। दरियागंज में क्लीन है क्या? मुझे क्या लगता है, आपको ना वहां जाना चाहिए। आज मेरे ऊपर लाखों रुपयों का कर्ज है। तेरी लालच की सजा तेरे साथ तेरी बीवी को भी मिल रही है। ताई, इतने सारे अंधेरे में बस वही एक रोशनी की किरण, उसने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैंने उससे दौलत के लालच में शादी की। ताई, उसकी नजर में तो मैं आज भी वही देवता हूं जिसे पता था कि उस लड़की के 3 मंगेतर पहले ही मर चुके हैं, फिर भी शादी की। मुझे अब भी यकीन नहीं होता अंदर कि तूने हमारे मरी हुई माँ की झूठी कसम खाई। बस इसीलिए ताई, ताकि आप मुझसे नफरत ना करें, मैं आपकी नजरों में न गिर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए ताई। माफी तो अपने गुनाहों की मांगी जाती है, पाप की माफी तो तुझे भगवान से ही मांगनी पड़ेगी। इतनी रात को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुबह होते ही चले जाना। हर पल यहां जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
तेरा ये हार ये चूड़िया सब निकाल के दे दे। हाँ, हाँ, उतार देती, बस इतना ही है सब। तेरा माल कहाँ रखा है? माल कहाँ रखा है? जो भी है बस इतना ही है। लगता है माल दूसरे कमरे में छिपा के रखा है। चल। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। कौन से कमरे में माल रखा है? कुछ नहीं है। कहाँ है? देखो। नहीं, इधर नहीं। कोई मत हिलना। इधर आ। नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। परिमल नजदीक मत आना, बंदूक परिमल बीच में मत आओ, आगे मत आना, तो मैं इसे गोली मार दूंगा, आगे मत आना, मत आना, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। देखो नहीं मत आना आगे। देखो तुम्हें जो कुछ करना है मुझे कर लो, मेरी ताई को छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ मेरी ताई को छोड़ दो। हाथ ऊपर करो। हाथ को चाची मामा जी मामा जी, ये कितना लगा है तुझे? जरा सी खरोच है। इंदर अब क्या तुझे अपनी कसम दे दूं मैं, तभी सच बोलेगा तू? थक गया हूं मैं ताई, हॉस्पिटल से, दवाइयों से, डॉक्टर से। पिछली बार जब मैं हॉस्पिटल गया था तो मैंने एक कसम खाई थी बाहर निकलते वक्त कि खुद चल के तो हॉस्पिटल अब जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। एक मिनट मामा जी, पर आप इतनी बार हॉस्पिटल गए क्यों? इंदर क्या हुआ है तुझे? यही तो भगवान का सबसे बड़ा जोक है ताई, जो मैं आपसे छुपा रहा था। मेरे हार्ट के दोनों वाल्व डैमेज हो चुके हैं ताई। मामा जी उसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ना? इसका सिर्फ एक ही इलाज है गायत्री, हार्ट ट्रांसप्लांट। लेकिन हजारों पेशेंटों में से सिर्फ किसी एक नसीब वाले को किसी का डोनेट किया हुआ हार्ट मिल जाता है। वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, अब कोई उम्मीद नहीं। पर मामा जी कुछ तो कहा होगा डॉक्टर्स ने, कब तक हार्ट मिलने की उम्मीद? डॉक्टरों ने जो मोहलत दी थी वो तो पिछले महीने ही खत्म हो गई। वो तो खुद हैरान है कि इतना डैमेज्ड हार्ट लेकर मैं अब तक जिंदा कैसे हूं। तो तुझे पता था कि तू जल्दी? तभी तो आया मुझसे मिलने। हाँ ताई, ये जानते हुए भी कि मेरे आने से आपके और जीजा जी के बीच में प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे आना पड़ा। मुझे अपने पापू की माफी भी तो मांगनी थी आपसे। इंदर रुक जा, वहीं रुक जा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा भाई मेरे घर में कदम नहीं रखेगा, फिर ले आई से? हाँ आ गई लेकर मैं।